I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and by now familiar endocrinologist. Aaj special din hai. Today is the 5th of September. So let's talk about someone really special today. Aapne mein history mein padha hai, Arjun hua karte the. You have read in history, Dronacharya bhi the. And even today, our government remembers them. Hamari government unko shradhanjali deti hai, hum bhi dete hain. Through the Arjun Awards, which are meant for excellence in sports. And through the Dronacharya Awards, which are meant for excellence in coaching. Magar humne kabhi ye socha hai, have we ever thought ki Bhisham Pitama Awards kyun nahi diye jate? Bhisham Pitama jo the, wo itni towering personality the Mahabharat ki. He was such a towering, such a huge personality that perhaps we think that no one can fill his shoes. But there was one person jinhone Bhisham Pitama se badke kaam kiya hamare liye. Unse pare kaam kiya. और हमारे जो भीष्म पितामह हैं वो हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर के अग्रवाल सर, रिस्पेक्टेड पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल सर अब हमारे बीच में नहीं है. वो पिछले साल 17 मई को हमें छोड़ के गए बिकॉज ऑफ कोविड. ही लेफ्ट अस ऑन द 17th ऑफ मई 2021. मगर आज उनका जन्मदिन है. इट्स हिज बर्थडे टुडे. सो लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट हिज लेगेसी. आओ इकट्ठे मिलते हैं और उनकी लेगेसी जो हमारे लिए वो छोड़ के गए हैं चीजें, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें याद करते हैं. एंड लेट अस सी हाउ वी कैन कैरी हिज मैसेज फॉरवर्ड. तो आज 5th of September 2022 वी आर सेलिब्रेटिंग द 64th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रिस्पेक्टेड डॉक्टर के अग्रवाल सर. हमने बात की भीष्म पितामह की और अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल सर की. व्हाट सिमिलैरिटीज डिड दे हैव? कुछ सिमिलैरिटीज थी क्या? हाँ जी, भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे. ही वॉज द सन ऑफ गंगा. और हमारे अग्रवाल सर यमुना पुत्र थे, बॉर्न इन न्यू दिल्ली. मगर जो भीष्म पितामह का जो इम्पैक्ट था, जो उनके जलवे चलते थे, जो उनका डंका चलता था, दैट वॉज फार बिहाइंड द गैंजेटिक प्लेन. पूरे इंडिया में उनका नाम चलता था. एवरी वन रिस्पेक्टेड हिम, चाहे वो कौरव थे, चाहे वो पांडव थे, चाहे कोई भी और. ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय वन एंड ऑल. एंड ऐसे ही हमारे डॉक्टर के अग्रवाल सर बिल्कुल इंडिया के सेंटर में, जियोग्राफिकल सेंटर में गए अपनी MBBS करने, नागपुर से, इन द ईयर 1979. और बिल्कुल ही बगल में वारधा से, सेवाग्राम से, उन्होंने 1983 में अपनी MD मेडिसिन पूरी की. भीष्म पितामह स्टूड फॉर धर्म, फॉर धर्मा. वो हर चीज धर्म के नजरिए से देखते थे और जहां पे भी अधर्म होता था वो खुश नहीं होते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था. और डॉक्टर के अग्रवाल सर ने भी अपना धर्म बनाया एजुकेशन को, पढ़ाई को, अवेयरनेस को. सर का धर्म था कि सब लोगों तक, हर एक ह्यूमन बीइंग तक पढ़ाई का और सेहत का धर्म पहुंचे. सो ही वांटेड एवरीवन टू बी अवेयर अबाउट हेल्थ एंड ही वांटेड एवरीवन टू बी हेल्दी एंड दैट इज व्हाट ही वर्क फॉर. भीष्म पितामह ने भी बहुत ट्रेनिंग ली. उनके जो फादर थे किंग शांतनु, उन्होंने उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास. तो देवव्रत उनका नाम था और अलग अलग देवों से उनकी ट्रेनिंग की गई. और ऐसे ही डॉक्टर के अग्रवाल सर ने भी खूब ट्रेनिंग ली. MBBS MD करने के बाद भी वो काम में जुटे रहे एंड फॉर हिम एवरी डे वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. चाहे पढ़ाई, चाहे एक्सपीरियंस, चाहे प्रैक्टिकल, चाहे थ्योरेटिकल नॉलेज. तो भगवद गीता में बात होती है, कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि ज्ञान योग भी अच्छा है, कर्म योग भी अच्छा है, बट कर्म योग इज बेटर. और डॉक्टर के अग्रवाल सर ये रिप्रेजेंट करते थे एक परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ज्ञान योग एंड कर्म योग, बिटवीन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. ही वॉज एबल टू हैंडल बोथ वेरी वेल इन अ सीमलेस मैनर. ऐसे पता ही नहीं चलता था कि थ्योरी कब आई और प्रैक्टिकल कब आया. एंड जो बेस्ट पार्ट था सर का एज अ टीचर एंड एज अ डॉक्टर, वो चीजों को इतना सिंपल बनाते थे, इतना सरल, सो ईजी टू अंडरस्टैंड, इतना आसान कि कोई भी उनसे सीख सके. तो चाहे कोई सबसे पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, वो भी सीखते थे डॉक्टर अग्रवाल सर से. और मान लो जैसे मैं अरिथमेटिक में अच्छा नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, मे बी आई एम नॉट गुड एट हिंदी, तो भी सर की लैंग्वेज, सर की भाषा, सर के बोल ऐसे थे कि आसानी से हमें उनका कॉन्सेप्ट या उनका मैसेज समझ आ जाता. सिंप्लिसिटी ही सर की स्ट्रेंथ थी. तो जो सरलता है वो ही सर की ताकत थी. और एक और ताकत जो सर में थी, डॉक्टर अग्रवाल सर में थी, वो था कि आप ट्रेडिशनल विजडम का और मॉडर्न साइंस का वो बैलेंस कैसे करके चले. अब आज की जो दुनिया है, हम सब जानते हैं कि अमन शांति की थोड़ी सी शॉर्टेज है हमारे यहाँ, टॉलरेंस की भी शॉर्टेज है.
because I think communication is easier, many of us tend to use communication as a tool for venting out our frustration on other people, on other things. And one of the situations where we see this happening is in health. Health mein communication bahut hai. Without communication, we cannot grow. Magar miscommunication usse hazar guna zyada hai. So what you will find on the net, on social media, in routine daily discourse, aapko dikhega ki miscommunication bahut ho rahi hai. Log baat karenge ki diet aur exercise is tarah se follow karna chahiye, us tarah se nahin follow karna chahiye. Jab bhi baat aati hai moderation ki, to follow the middle path, the path laid down by Lord Buddha, the path of moderation, the path of good sense. Vivek ki baat jab ki jati hai, common clinical sense ki, common sense ki, good sense ki, to suddenly you will find ek bochhar si aa jayegi. Logon ki jo extreme diets, extreme exercise, in cheezon ke promote karte hain. Unko fayda kya hota hai? I am not able to figure out. Kabhi-kabhi main bhi frustrate ho jata hun. Magar Dr. Agarwal sir mein khasiyat thi, un sabko bahut achche se handle karte the. He was well versed in the art of debating, in the art of communication, in the art of motivation. To jitna marzi extreme viewpoint ho kisi ka, sir unse vartalap karte the, baat karte the. He would establish his point, he would counter any wrong point, and he would manage to get the person on the side of science, on the side of health. One of the situations where we see this happening is regarding the role of traditional wisdom, traditional science like Ayurveda, and modern science like allopathy, modern medicine jo hai. Ab main trained hu modern medicine mein, main Ayurveda mein trained nahi hu. Dr. KK Agarwal sir bhi Ayurveda mein trained nahi the. But that does not stop us from exploring, from learning, from wanting to learn more about Ayurveda. And the more and more I learn about Ayurveda, I see ke jo Ayurveda ka jo dhancha hai, jo framework hai, thought process hai, wo itna robust hai, itna strong hai, usme aap koi galti nikal hi nahi sakte. Ho sakta hai ki cheezon mein farak ho. Let us take an example. Ayurveda ki jo dawaiyan hain, wo malai mein ya ghee mein ya makhan mein ya shahad mein di jati hain. Ab ye malai, makhan, ghee aur shahad hum diabetes mein mana karte hain. So now there is an issue. What do we believe? What do we not believe? For that, all you have to do is to understand two simple English words: textual and contextual. Dr. Agarwal sir isme bhi mahir the. Textual means ki Ayurveda ka text likhta hai ki aap shahad khayein ya aap makhan ya ghee khayein. But look at the context. Us time pe tablets nahi thi, capsules nahi the, injections nahi the. Aur tarika kya tha dawai ya dravya pahunchane ka kisi ke pet ke andar? You need a medium. To wo medium bana makhan ya shahad, butter or honey. Now that we have better ways of preparing drugs, wo dravya ya dawai banane ke hamare paas behtar tareeke hain, now we can use capsules or we can use tablets or injections, so we don't need the honey or the butter anymore. This is contextual. We have to understand the context in which Ayurveda evolved and the context in which we are living now. So textual or contextual ka jab hum farak understand karte hain, when we realize the difference, to hume pata chalta hai ki yes, we do not have to reject Ayurveda in its entirety. We can take out the right aspects from it. Ek aur example dete hain. Ayurveda kehti hai ki raat ko dahi na khayein, raita na khayein. Aaj ki tareek mein hum sab raat ko dahi khate hain. Thoda sa common sense, thoda sa vivek istemal karein. Us time pe bijli thi kya? Us time pe fridge the kya? Subah jo dahi jami, wo sham tak kharab nahi ho jayegi kya? In the hot Indian summer. Yadi haan, to jinhone Ayurveda mein likha ki aap raat ko dahi na khayein, unhone sahi likha, durust likha. That was textual. आज के कॉन्टेक्स्ट में यदि आपके घर में फ्रिज नहीं है, बिजली नहीं है, तो आप भी वही फॉलो करेंगे. बट इफ यू हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, टू रेफ्रिजरेशन, देन यू कैन टेक कर्ड व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अ कंपनी इन अ फैक्ट्री इवन 10 और 20 और 30 डेज अगो. जस्ट डिपेंड्स अपॉन द शेल्फ लाइफ. तो ये जो टेक्सचुअल वर्सेस कॉन्टेक्चुअल डिस्कशन थी, सर इसको समझते थे और सर इसे बाकियों को भी समझा पाते थे. दिस वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर के अग्रवाल सर. And that is why he wrote a book and he created a concept known as Alloveda. Allopathy and Ayurveda together. Alloveda is a portmanteau, a word combined with two. And sir has influenced me in so many ways. Sir ne meri thought process, meri soch,
the way I speak, mere bol, mere alfaz, the work that I do, the actions that I undertake, mere karya, mere karam, ye sab sar ne influence kiya. And one strong influence has been aloe vera. Because of sir's teaching, I have been able to understand the beauty of Ayurveda. And I have been able to achieve a lot of concordance between Ayurveda and allopathy. Troll bhi kiya jata hai hame, bahut burai ki jati hai, sehte hain, that is part of karam, that is part of karya. But to those who criticize Ayurveda, main kahunga ki pehle Ayurveda ki kitab zarur padhe. Aur yadi aap nahin padh paate, to Dr. K.K. Agarwal sir ke lecture zarur sune. And equally importantly, to those who criticize modern medicine, उन्हें कहूंगा कि पहले किताब तो पढ़ के देखें, प्लीज देखें तो सही हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद जी भर के क्रिटिसाइज करें, जी भर के बुराई करें, बट साइंटिफिक तरीके से क्रिटिसाइज करें. इसलिए मत क्रिटिसाइज करें क्योंकि आपका दिल करता है क्रिटिसाइज करने का. उन्हें भी कहूंगा जो घमंड दिखाते हैं, आयुर्वेद का घमंड, आयुर्वेद कैन नॉट कॉज साइड इफेक्ट्स, ये गलत है. आयुर्वेद कैन नॉट कॉज साइड इफेक्ट्स इफ इट इज गिवन in the right manner to the right person in the right dose at the right time. Yadi aap galat tarike se ayurved istemal karenge to khub sare side effects honge, and it is possible us time kuch hazar saal pehle na microscope the, na biochemical reagents the, na laboratories thi. So it is possible us time koi dawai banayi gayi ho jisme koi heavy metals ho, koi poisonous metals ho, magar tab hame nahi pata tha. Aaj ki tarike mein agar hame pata chal gaya hai ki wo poisonous hain aur long run mein poisonous hain, then we should stop using them. तो जो घमंड है, delusion of grandeur, delusion of academic grandeur, ये हमें निकालनी चाहिए. And this message is not only for Ayurveda, it is also for modern medicine practitioners, equally important. जो घमंड है उसे निकालें. How do you learn के घमंड कैसे निकालें? You learn from Dr. K.K. Agarwal sir. Sir was an epitome of humility, of simplicity. जितने humble, जितने विनम्र डॉक्टर के अग्रवाल सर थे और कोई भी नहीं मैंने देखा. एंड ह्यूमिलिटी डजंट मीन दैट यू अलाउ एनीबॉडी टू ट्रैम्पल ओवर यू. डॉक्टर साहब हमारे हम्बल भी थे मगर फर्म भी थे. ही वुड नॉट हेजिटेट इन कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड. यदि मैं हरियाणवी में आ जाऊं तो ही वुड नॉट हेजिटेट इन कॉलिंग अ मुग्धर अ मुग्धर. लाठी को लाठी कहते थे, मुग्धर को मुग्धर कहते थे और भैंस को अपने पास ही रखते थे. ही वुड पुट द राइट पॉइंट फॉरवर्ड in a very firm but in a very agreeable manner. ye satvikta jo thi sir ki thoughts mein, sir ki speech mein aur sir ki actions mein, this is something that we all should try to emulate. hum aaj sir ko yaad kar rahe hain, sir ka birthday hai, but we should be happy, we should be happy that we are remembering sir. so much we have learned from him. sir hame itna kuch dekhe gaye aur wo jo impact tha wo sir ke life span tak hi simit nahi tha, आगे भी चलता जा रहा है. दिस इज अ ट्रू सर्विस टू मैनकाइंड. और सर का जो इम्पैक्ट था दैट वाज नॉट लिमिटेड जस्ट टू द यमुना रिवर. हमने कहा कि सर यमुना पुत्र थे, न्यू दिल्ली के बेटे थे. हिज इम्पैक्ट स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. सर ने खूब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाई अपने लाइफ स्पैन में. वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेजिडेंट बने, हार्ट फाउंडेशन के प्रेजिडेंट बने, इतने सारे काम उन्होंने किए. विकिपीडिया भी थक जाती है वो गिनते गिनते. और भारत का जो झंडा है, वो भारत का परचम जो है, उन्होंने बाहर भी लहराया. ही टुक इंडिया अब्रॉड एंड ही क्रिएटेड एंड ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ एशिया एंड ओशिनिया. तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं उनका ग्रुप बनाया और उसके भी सर प्रेसिडेंट थे. तो यहाँ पे भी भारत का परचम लहराता था. सर ने IJCP ग्रुप क्रिएट किया, इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस ग्रुप. IJCP इतने काम कर रहा है फॉर हेल्थ एजुकेशन, फॉर हेल्थ अवेयरनेस. इट इज डिफिकल्ट टू लिस्ट देम बट यू आर अवेयर ऑफ मेनी ऑफ देम. KK मेड टॉक्स हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है. रोज आपसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, एक्सपर्ट्स लेके आते हैं जो बहुत सिंपल वर्ड्स में अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं. दे आर एबल टू कन्वर्ट स्पेशलिस्ट साइंस. अपनी स्पेशलाइजेशन को वो कन्वर्ट करके सिंपल वर्ड्स में दे मेक इट सो पेशेंट फ्रेंडली, सो पब्लिक फ्रेंडली दैट एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. और KK मेड टॉक्स ने इतने लोगों को टच किया पूरी दुनिया में और बाहर भी कि वो गिनना मुश्किल है. कोविड के दौरान हमारी 1-1 लाख की व्यूअरशिप हुआ करती थी जब डॉक्टर KK अग्रवाल सर थे. सो ही हैज टच्ड अस इन दिस मैनर थ्रू IJCP ग्रुप.
KK Med Talks. मगर IJCP ग्रुप बाकी काम भी करता है. IJCP ग्रुप मेडिकल जर्नल्स निकालता है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स करता है और एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस करता है डॉक्टर्स के लिए और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए. इस माध्यम से और इस एक्टिविटी के जरिए, थ्रू दिस एक्टिविटी, वी आर एबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर दैट यू गेट फ्रॉम योर डॉक्टर्स. डॉक्टर्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे होते हैं ताकि वो बेटर क्वालिटी ऑफ केयर दें. सर एडवोकेसी में भी काम करते थे, ही वॉज अ हेल्थ एडवोकेट. तो यदि स्टेक होल्डर से, किसी से भी, जैसे मान लो पॉलिसी मेकर्स हो गए, हेल्थ प्लानर्स हो गए, उनसे बात करनी हो तो डॉक्टर साहब सबसे आगे थे. हेल्थ मेला आयोजित करते थे दिल्ली में, जिससे सब स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी प्लानर्स को पता चल जाता था कि कितना रोल है ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी इन हेल्थ. एंड ही वुड गेट पीपल टू फोकस ऑन दैट, ताकि अकेले हम डायबिटीज और ओबेसिटी और हार्ट डिजीज को क्योर ना करें या ट्रीट ना करें, हम उसे प्रिवेंट भी करें. तो ये एडवोकेसी में भी सर का नाम सबसे आगे था. सो दीज आर सो मेनी थिंग्स दैट सर हैज डन फॉर अस एंड वी कीप ऑन रिमेम्बरिंग हिम. हम सर को याद करते हैं उनके साइंटिफिक टेम्परमेंट के लिए, उनकी सात्विकता के लिए. हम उन्हें याद भी करते हैं उनकी सरलता के लिए, फॉर हिज सिंप्लिसिटी, बट ऑल्सो फॉर हिज स्ट्रेंथ. एंड व्हेन आई रीड द भगवद्गीता, भगवद्गीता में लॉर्ड कृष्ण भगवान बात करते हैं सात्विकता की. एंड सात्विकता इज एन एडजेक्टिव, यू कैन ऑल्सो टेक इट टू बी अ नाउन. यदि आप एडजेक्टिव चाहें डॉक्टर के अग्रवाल सर के लिए, तो सिंगल एडजेक्टिव मेरे मन से जो निकलेगा वो होगा सात्विकता. हर तरह से सर सात्विक थे. इन एवरीथिंग दैट ही थॉट ऑफ, दैट ही कंसीव्ड एंड दैट ही डिड, दैट ही शेयर्ड विद अस. यदि आप सात्विक को नाउन लें, सात्विकता को एज अ नाउन लें, तो डॉक्टर के अग्रवाल सर खुद जो नाउन अगर आप देखें तो ही वॉज सात्विक हिमसेल्फ. एंड दिस इज वॉट आई रिमेंबर व्हेन आई थिंक अबाउट हिम. हम सर को याद करते हैं, बट जब हम सर को श्रद्धांजलि देते हैं, वी थिंक अबाउट द पास्ट बट आवर थॉट्स आर ऑल्सो इन द फ्यूचर. तो फ्यूचर में क्या है, हाउ डू वी कॉन्टिन्यू स्प्रेडिंग द मैसेज दैट डॉक्टर के अग्रवाल सर wanted us to do? How do we take his legacy forward? Yahan pe I would like to call out and appreciate Dr. Veena Agarwal ma'am. Ma'am is leading from the front aur ma'am IJCP group ko aage chala rahi hain usi raste pe jis pe Dr. KK Agarwal sir ise chalana chahte the. To ma'am aapko thank you, shukriya, dhanyawad aur meherbani. Itni strength ke sath, itni personal strength ke sath aap is muhim ko aage chala rahi hain. Ma'am ke sath aur log bhi hain, नैना अग्रवाल अहूजा जी भी हैं, अंकित अहूजा जी और नीलेश अग्रवाल जी, एवरीवन वर्किंग टुगेदर एज अ टीम टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. आप सबको भी, नैना जी, अंकित जी और नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से. आपने डॉक्टर के अग्रवाल सर की जो लेगेसी है इसको रुकने नहीं दिया, यू आर हेल्पिंग इट कॉन्टिन्यू. मगर हमारी फैमिली इससे भी बहुत बड़ी है और IJCP ग्रुप में और बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं टू ब्रिंग KK Med Talks एंड अदर प्रोग्राम्स टू यू. पूजा बनर्जी जी हैं, तनुजा जी हैं, अशोक जी हैं, बैकएंड में प्रतीक हैं, एंड सो मेनी अदर पीपल. आई अपोलोजाइज, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा. एंड ये सब लोग एज अ टीम नहीं काम करते, एज अ फैमिली काम करते हैं, एक परिवार की तरह काम करते हैं, एक खानदान की तरह. मैं भी उस खानदान का हिस्सा हूँ और आप भी हैं. वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम फैमिली. और फैमिली में जब कोई छोड़ के चला जाता है तो सर्टनली वी फील सैड, बट श्रद्धांजलि सही मायने में क्या होगी उस पर्सन के लिए जो हमें छोड़ के चले गए. That will be, हम कार्य करते रहें, काम करते रहें, we keep on working in the direction that he wanted us to, with the same intention that he wanted us to. So, अगर हम ये चीज याद रख लें, if we do the right action with the right intention in the right direction, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हमारी फिलोसफी के वर्ड्स हैं, ये भगवद गीता और ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफी के अल्फाज हैं. If we just do that, the right action in the right direction with the right intention, then we are through. We will reach our destination. Ab Rigved kehti hai, manzil ek hai, magar raaste anek hai. The truth is one, but the ways to it are many. And that is what IJCP group is doing for you. That is the legacy that Dr. KK Agarwal sir has left for us. Alag alag tarike aap tak pahunchne ke liye. Nayi cheezein bhi aa rahi hain. Instagram hai. So you will find IJCP group there. ट्विटर है, वहां पे भी IJCP ग्रुप है. फेस टू फेस
जैसे हम वेबिनार्स करते हैं, के मैट टॉक शो करते हैं, वहां पे भी है, यूट्यूब पे हम हैं। तो जहां पे भी आपको लगे कि देर इज अ नीड फॉर हेल्थ अवेयरनेस, फॉर हेल्थ एजुकेशन, प्लीज रीच आउट टू अस। जहां पे भी आपको लगे कि कोई गैप है जो हम पूरा नहीं कर पाए, प्लीज रीच आउट टू अस। ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा धर्म है कि हम डॉक्टर के अग्रवाल सर की मनोकामना को पूरी करें और इसे आगे कंटिन्यू करें। आई बिगैन बाय स्पीकिंग अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन भीष्म पितामह एंड आवर रिस्पेक्टेड पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल सर, और हमने इतनी सारी सिमिलैरिटीज देखी। व्हाट हैपेंड फाइनली टू भीष्म पितामह? वो हमें छोड़ के चले गए, इस लोक को छोड़ के चले गए, और बाकी लोग तो स्वर्ग जाते हैं, मगर हिस्ट्री हमारी ये कहती है कि उनको मातृलोक मिला। मातृलोक स्वर्ग से भी ऊपर है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं श्योर हूँ कि सर डॉक्टर के अग्रवाल सर की जो आत्मा है उन्हें सदगति जरूर मिली है, एंड यदि कोई मातृलोक एग्जिस्ट करता है तो सर वहां पे होंगे और सर हमें देख रहे होंगे, आज भी हमें देख रहे होंगे सबको, एंड आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी दैट वी आर फॉलोइंग हिज एडवाइस, द राइट एक्शन विद द राइट इंटेंशन इन द राइट डायरेक्शन। आप सबके मन में भी इतनी सारी चीजें होंगी, ऑल ऑफ यू वुड वॉन्ट टू शेयर हाउ इज इट दैट सर टच्ड योर लाइफ, सर ने आपकी जिंदगी को कैसे छुआ, सर ने आपकी फैमिली में कोई चेंज क्रिएट किया, डिड ही चेंज द वे यू थिंक, द वे यू स्पीक, द वे यू बिहेव। प्लीज शेयर योर कमेंट्स विद अस, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, आई विल टेक योर लीव, एंड पूजा बनर्जी मैडम विल कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम। आप सबके कमेंट्स, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, हाउ यू रिमेम्बर डॉक्टर के अग्रवाल सर, ये सबके साथ शेयर करें। और जैसे मैंने कहा, हम सब एक परिवार हैं, एक खानदान हैं, वी आर वन फैमिली एंड टुगेदर वी आर यूनाइटेड। एक प्लस एक दो नहीं होता, एक प्लस एक ग्यारह होता है, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ वी ब्रिंग टू द टेबल। वंस अगेन डॉक्टर के अग्रवाल सर को नमन श्रद्धांजलि, डॉक्टर वीना अग्रवाल मैडम को तहे दिल से शुक्रिया और थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस एंड कीपिंग अस ऑल यूनाइटेड, एंड फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ऑफ द के अग्रवाल फैमिली, ऑफ द के मेट टॉक फैमिली। अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। थैंक यू डॉक्टर संजय फॉर लवली वर्ड्स अबाउट डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल वाज नॉट जस्ट द फाउंडर ऑफ आईजीसीपी ग्रुप, बट अ ग्रेट लीडर, विजनरी, अ पीपल्स डॉक्टर एंड अ गाइडिंग लाइट फॉर मेनी। ही हैज टच्ड इन्यूमरेबल लाइव्स इंक्लूडिंग माइन इन डिफरेंट वेज एंड हेल्प पीपल लीड अ हेल्दी, हैप्पियर एंड सेटिस्फाइड लाइव्स। When the world around us was falling apart and collapsing during the pandemic, he taught us every calamity is an opportunity to do good and rise above self. He thought of helping people during COVID, and it was just a thought that he began with, and that thought became a mission, which he continued till his last breath. I was one of those people who had the great opportunity to work with him in close contact and have learned a lot from him. Today, on the eve of his birthday and Teacher's Day, I remember him with lot of love, warmth, respect, and gratitude. Wish him a very good birthday wherever he is, and make a promise to him that I will continue with the teachings that he has given and will keep celebrating his life and carrying his legacy forward. We never stopped, the entire IJCP team, in spite of his loss, we never stopped working. We have always worked, always tried to fulfill his dreams, always worked on the paths that he has taught us. And today there are so many people who are commenting about him. I would like to read out a few messages which are coming his way. Before I start, there are a lot of people who are wishing him Teacher's Day, who are also wishing him happy birthday. A lot of people are wishing Dr. Sanjay also. Dr. Sanjay has also been there with us through and through ever since Sir left us, and we thank him for that. And a happy Teacher's Day to Dr. Sanjay also. And I would like to read a few messages now. A lot of people, Sanjeev Puri ji is wishing happy Teacher's Day to Sir. K.
Akhilendra Saxena ji is wishing Happy Teachers Day. Shweta Paroha is wishing Janmadin par Bhavpoorn Shraddhanjali, Sadar Naman. Sarita Uday Singh is saying he was a true Sthit Pragya. Saptarshi Bhattacharya is commenting, Dr. K.K. Agarwal is a true God for me. Kunika Chaichi is wishing Sir Happy Teachers Day. Sadaf Nizam is saying, Happy Teachers Day to you, sir. Dr. K.K. was a great teacher and he explained things so nicely that a layman like me can understand the medical information. Swapna Jain is wishing, sir, a Happy Teachers Day. Karabi Dikshit is saying, missing him so much. Happy birthday, Dr. K.K. Agarwal, and Happy Teachers Day to all. We also miss him a lot. However, we keep his teachings in our day-to-day activities and that's how we remember him all the time and we feel his presence with us all the time. Anamika Anu is wishing him Happy Teacher's Day. Anita Dadlani is remembering him and wishing him a Happy Teacher's Day. Pankaj Kumar Singh is wishing him Happy Teacher's Day, Dr. K.K. Sir. Aap kal bhi mere guru, mere teacher the, aaj bhi hain aur hamesha rahenge. I always miss you, sir. There are certain questions for Dr. Sanjay, which we would be taking in our next session. Please come back to us on our next session. Today, we are not taking these clinical questions. Shublata Chhatwal is wishing, sir, all good wishes to Dr. K.K. Agarwal. He was a treasure of knowledge. Remember him and his services to mankind on his birthday. Anamika Anuji is wishing him, we salute to sir for his whole life. Anita Dadlani is thanking, I believe, the entire IJCP team and Dr. Sanjay for continuing his legacy. Dr. Nanlal Sharda is giving his best regards to us. Divya Chhabra ji is wishing, sir, a great teacher. Wish we have more people like you. Miss you, respected sir. We haven't seen Dr. Radhakrishnan, Swami Vivekanand and many more. For me, you are and will always be my favorite guru. Dr. Nanlal Sharda ji is saying KK must be enjoying moksh. Rekha Batra is saluting Dr. KK Agarwal and there are many, many more such messages that are coming across our way. We thank each one of you for staying with us, for supporting us and for being there for us. We will continue to carry his legacy forward. We will continue to do the good work. Thank you. And I would like to thank you all the IJCP team who is working tirelessly for sir and for Dr. Veena, Nilesh, Naina and Ankit. Thank you, everyone.